सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सबमिशन ड्राइंग के बारे में। आज हम सीखेंगे एक सबमिशन ड्राइंग क्या होता है और उसमें कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझना जरूरी है और सीखना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सबमिशन ड्राइंग। जब किसी का भी घर बनता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने से पहले आपको लोकल अथॉरिटी इंचार्ज या फिर बोल सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्डिंग परमिट लेने के लिए सेट ऑफ ड्राइंग्स, जिसमें प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, अंडरग्राउंड डिटेल्स जैसे सेप्टिक टैंक का डिजाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का डिजाइन, उसी के साथ साइट प्लान, लोकेशन प्लान, एरिया स्टेटमेंट, मतलब पूरा एक घर का कंप्लीट डिटेल होता है, ये सारी चीज होनी चाहिए, तब जाके सेट ऑफ ड्रॉइंग्स तैयार होता है और इसे हम कहते हैं सबमिशन ड्रॉइंग, या इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं ब्लूप्रिंट, या हम लोकल वर्ड्स में इसे कहते हैं नक्शा। तो ये कहलाता है सबमिशन ड्रॉइंग। आइए सबमिशन ड्रॉइंग को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग प्लान। सबमिशन ड्रॉइंग में कैरी करता है बिल्डिंग प्लान, और उसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्लोर प्लान्स। ये जो देख पा रहे हैं आप फ्लोर प्लान, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, आप जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, मान लीजिए G+5 आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसी के साथ अगर आप बेसमेंट भी प्लान कर रहे हैं तो बेसमेंट प्लान, ये सारे फ्लोर प्लान कहलाते हैं। फ्लोर प्लान मतलब होता है टॉप व्यू, अपने घर को टॉप से देखने पे जो व्यूज होता है, दैट इज कॉल्ड टॉप व्यू, मतलब फ्लोर प्लान। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं ये सारे फ्लोर प्लान में आपको शो करना पड़ता है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि यहां पे देख रहे हैं पूरे रूमिनेस को यहां पे दिखाया जा रहा है, जैसे कि ड्राइंग रूम कहां पे है, टॉयलेट कहां पे, किचन कहां है, फर्नीचर के सेटअप, और उसी के साथ पूरे डायमेंशन मेंशन है, और जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे साइजेस भी मेंशन है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ता है फ्लोर प्लान। और इंजीनियर सिविल गुरुजी के पास है एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें आप सीखते हैं बिल्डिंग, हाईवे, QA QC, जियो टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन, आर्किटेक्चरल प्लानिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग BIM, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग अप टू G+10, उसी के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और आप सीखते हैं हाउ टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके पूरे 8th सेमेस्टर तक इंजीनियरिंग कोर्सेस, फ्रीलांसिंग कैसे काम करें, ब्रिज, उसी के साथ ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, अर्बन एंड टाउन प्लानिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और लास्ट में ओवरहेड वाटर टैंक, ये सारी चीज आपको सीखने मिलती है सिविल गुरुजी लाइब्रेरी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बिल्डिंग प्लान के अंदर ही एलिवेशन। अपने घर को सामने से देखते हुए जो आप बनाने वाले, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एलिवेशन। अगर अपने घर को राइट साइड से आप देख रहे तो राइट साइड एलिवेशन, अपने घर को लेफ्ट साइड से देख रहे तो लेफ्ट साइड एलिवेशन, पीछे से देख रहे तो बैक साइड एलिवेशन, इतने एलिवेशन आपको दिखेंगे। लेकिन एक सबमिशन ड्रॉइंग में एक एलिवेशन बनाना कंपलसरी है, तो हम बेसिकली ज्यादातर बनाते हैं फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन में कैरी करते हैं सारे डिटेल्स, जैसे आप यहां पे देख पा रहे आपको देना पड़ता है पूरे लेवल्स की जानकारी, जैसे आप देख रहे पूरा एक डिस्टेंस, पूरा एक हाइट आपको यहां पे शो करना पड़ता है। दिस इज एलिवेशन प्लान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बिल्डिंग प्लान में सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू बेसिकली दिखाया जाता है हिडन मटेरियल्स को शो करने के लिए। एक घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जितने भी RCC के मटेरियल्स हो गया, प्लिंथ फिलिंग में जो भी मटेरियल्स हो गया, स्टेयरकेस में जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, वो सारी चीजों को दिखाने के लिए सेक्शन व्यू अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपके घर में स्टेयर केस है तो आपको स्टेयर केस से सेक्शन व्यू कट करना पड़ेगा। और उसी के साथ जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं पूरा डिटेल, जैसे स्ट्रक्चर मेंबर आप देख पा रहे हैं, स्लैब, बीम, और उसी के साथ यहां पे फ्लोर जो स्लैब है वहां पे, और उसी के नीचे जो प्लिंथ फिलिंग आई हुई है वहां पे जो भी डिटेल्स है, वो सारे डिटेल्स आपको यहां पे शो करने पड़ते हैं। और ये पूरे बिल्डिंग प्लान, जैसे कि फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये सारे तीनों जो प्लान्स आप बनाएंगे, ये बनाएंगे 1:100 के स्केल में। अगर आप 1:100 के स्केल को नहीं समझ पा रहे तो बहुत ही आसान भाषा से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं ये है एक रिमोट, इस रिमोट में आप देख पा रहे हैं कि इसका एक लेंथ होगा कुछ ना कुछ, तो इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो लगभग 5 सेंटीमीटर मान के चलता हूं। अगर 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, अगर हमने पेपर में भी ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का, तो यहां पे जो स्केल हो गया वो हो गया 1:1, मतलब जो एक्चुअल में इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर,
और जो पेपर में बनाया गया वो भी 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे जो स्केल हो गया ना 1:1 हो गया। और उसी प्रकार से आपको अब समझना है 1:100, मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि हमने कर दिया है रिड्यूस। देखिए इतने बड़े प्लान को, इतने बड़े साइट को एक पेपर में बनाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी स्केल्स है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो 1:100 मतलब 100 times हमने उस लेंथ को कंप्रेस कर दिया है, कम कर दिया है, दैट इज रिड्यूसिंग स्केल 1:100। तो बेसिकली ज्यादातर जो प्लान सेक्शन एलिवेशन आप बनाएंगे 1:100 के स्केल में आप बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप देख पाएंगे यहां पे है साइट प्लान। साइट प्लान में हमको शो करना पड़ता है ये सारे डिटेल्स, जैसे आप यहां पे देख पा रहे पूरे डायमेंशंस, मतलब आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा कि नेबरिंग में क्या है एग्जैक्टली, और उसी के साथ कहां से यहां रोड जा रही है, और लेफ्ट साइड में राइट साइड में बिल्डिंग जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है ऑलरेडी, और उसी के साथ जो प्रपोज्ड साइट आपका बनने वाला है उसके क्या डिटेल्स है, सेटबैक्स के डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, कितना मार्जिन आपने छोड़ा हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में जो नेबर्स के घर होंगे उनको भी आपको मेंशन करना है। उसी के साथ फ्रंट रोड, अगर यहाँ पे रोड है तो आपको स्ट्रीट के रोड्स आपको यहाँ पे दिखाने होंगे। और इसी तरीके से बनाते हैं हम साइट प्लान। साइट प्लान को बेसिकली आप स्केल्स में बना सकते हैं 1:200 से 1:500 तक के स्केल में आप साइट प्लान को बना सकते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान का मतलब है जहां पे आपका घर बन रहा है उस जगह को लोकेट करना, इन शॉर्ट मैप व्यू। आपका घर जहां पे भी बन रहा है वहां से आपका जो एरिया है वो पूरा कवर होना चाहिए कि कोई भी अगर आना चाहे तो उस घर में बहुत आसानी से पहुंच सकता है। अगर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहां तक आना चाह रही है तो वहां तक बहुत आसानी से वो पहुंच जाए। तो लोकेट करने के लिए लोकेशन मैप को बनाया जाता है। इसमें सारे डिटेल्स क्या क्या होता है, पूरे स्ट्रीट आपको शो करने हैं, कोई भी एक मेन लैंडमार्क से आपको पूरे अपने स्ट्रीट को शो करते हुए दिखाना है कि आपका घर कहां पे है। तो जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं ये है प्रपोज्ड लोकेशन, मतलब जहां पे बनने वाला है घर। तो आपको पूरा एक सिनेरियो आप यहां पे दिखाना है कि नियर बाय में क्या क्या लैंडमार्क्स है और किस स्ट्रीट में आपका घर है, वो सारे स्ट्रीट आपको यहां पे शो करने पड़ते हैं। और उसी के साथ आपको शो करना है डायरेक्शन, नॉर्थ आपको यहां पे दिखाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका लोकेशन प्लान। इसको दिखाने के लिए आप स्केल यूज करेंगे 1:1000 से लेके 1:2000 तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सर्विस प्लान। सर्विस प्लान में बेसिकली होता है जैसे आप देख पा रहे हैं सेप्टिक टैंक, यहां पे आपको शो करना है पूरा एक प्लान, पूरा एक सेक्शन, जो सेप्टिक टैंक आप बनाने वाले हैं उसका पूरा एक प्लान और उसी का सेक्शन व्यू आपको दिखाना पड़ता है। और उसमें सारे डिटेल्स आपको दिखाना है, जैसे आपने बिल्डिंग के डिटेल्स दिखाए उसी तरीके से। इसी में सर्विस प्लान में नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जैसे आप देख पा रहे हैं आजकल कंपलसरी हो गया है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना जरूरी है। तो सबमिशन ड्रॉइंग में भी आपको ध्यान रखना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की ड्राइंग जरूर हो। तो जैसे आप यहां पे देख पा रहे इसका भी डिटेल आपको देना पड़ता है, आप इसका सेक्शन व्यू शो कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है ओपनिंग शेड्यूल एंड एरिया स्टेटमेंट। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं कि आपको ये सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं कि कहां कहां से ओपनिंग है, उसके डेजिग्नेशंस, क्या साइजेस लिया हुआ है पूरे प्लान में, ये सारी चीज आपको दिखानी पड़ती है। जैसे डोर का जो डेजिग्नेशंस है वो देख लीजिए और उसको कौन से मटेरियल से बनाया गया है वो सारी चीज आपको यहां पे शो करना है। और उसी के साथ होता है एरिया स्टेटमेंट। एरिया स्टेटमेंट में प्लॉट का साइज, प्लॉट का एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, ये सारी चीज और उसी के साथ FAR, ये पूरा आपको एरिया स्टेटमेंट शो करना पड़ता है। और उसी के नीचे जैसे आप देख पा रहे हैं ऑनर्स का डिटेल, आर्किटेक्ट, किस आर्किटेक्ट ने बनाया, किस इंजीनियर ने बनाया, उसका पूरा सील साइन अथॉरिटी, ये सारी चीज होनी चाहिए। और उसी के साथ कंप्लीट होता है सारा डिटेल्स और सारे सेट ऑफ ड्राइंग्स मिलके बनते हैं कंप्लीट सबमिशन ड्राइंग। और एक बार फिर से सिविल गुरुजी मौका दे रहा है स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का इस रिपब्लिक डे के उपलक्ष में। तो इंजीनियर्स आपके पास एक सुनहरा मौका है कि सिविल गुरुजी के साथ जुड़ के एज अ स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर आप काम कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलने वाला है सारे सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो प्रीवियसली मैंने आपको शो किया, उसी के साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप
और मिलेगा अर्न करने का मौका। तो देर मत करे, अभी कॉल करे 9111001234 पे और पूरे डिटेल्स पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।